सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाए इस घंटी को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी भी फिल्म को दमदार बनाने के लिए एक हीरो हीरोइन और विलेन की अहम भूमिका होती है, लेकिन फिल्म में कॉमेडी ना हो तो फिल्म बहुत फीकी फीकी लगती है। आज इंडिया में एक से बढ़कर कॉमेडियन है, लेकिन आज हम आपको इंडिया के टॉप 5 सबसे आमिर कॉमेडियन के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 5 पर है राजेश श्रीवास्तव। राजेश श्रीवास्तव को कॉमेडी का किंग माना जाता है। इन्होंने कई सारे शोज में स्टैंड अप कॉमेडी की है। अपनी दमदार कॉमेडी की वजह से यह कई सारे मेडल्स और अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा यह कुछ बॉलीवुड फिल्में जैसे बॉम्बे टू गोवा और में भी काम कर चुके हैं। यह बतौर कॉमेडियन अब तक 25 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। नंबर 4 पर है राजपाल यादव। इंडिया के टॉप महंगे कॉमेडियन में एक नाम राजपाल यादव का भी है। इन्होंने फिल्म चुप चुप के ते दना दन और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन आपको बता दें कि राजपाल यादव अब तक अपनी टैलेंट के दम पर 30 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं जॉनी लीवर। जॉनी लीवर बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं। उनका स्थान शायद कोई बॉलीवुड में हासिल कर पाए। जानकारी मुताबिक जॉनी लीवर अब तक 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी लाजवाब कॉमेडी दिखा चुके हैं। वहीं बात कमाई की करें, जॉनी लीवर अपनी कॉमेडी से अब तक 100 करोड़ रुपए अर्जित कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर है परेश रावल। परेश रावल बॉलीवुड के महान अभिनेता है। यह फिल्मों कॉमेडी के अलावा कई बार विलेन के रोल भी कर चुके हैं। बॉलीवुड की कुछ फिल्में जैसे हेरा फेरी और हंगामा में हमें इनकी दमदार कॉमेडी देखने को मिलती है, जहां अब तक यह सिर्फ कॉमेडी के दम पर ही 150 करोड़ रुपए अर्जित कर चुके हैं। नंबर 1 पर है ब्रह्मानंदन। आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ब्रह्मानंदन का अलग ही बोलबाला है। जब तक किसी साउथ की फिल्म में ये ना हो तब तक फिल्म अधूरी रहती है। अब तक यह 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। यह अपनी शानदार कॉमेडी से अब तक 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दोस्तों, इनमें से आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन है, यह बात आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।